नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेल स्लीपर्स के बारे में, इनके कुछ फंक्शंस और टाइप्स, आइडियल स्लीपर्स कैसे होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और उनका बेनिफिट ले सकें। स्लीपर्स क्या होते हैं, आप सभी ने रेलवे ट्रैक को देखा होगा, तो ये जो रेल है, मेटल की रेल जिस पे रेस्ट करती हैं, जिस पे अटैच होती हैं, ये आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट की ये स्ट्रक्चर, इनको स्लीपर्स बोला जाता है, रेलवे स्लीपर्स। ओके, द मेंबर लेड ट्रांसवर्सली अंडर द रेल फॉर सपोर्टिंग एंड फिक्सिंग देम, ओके, एंड टू मेंटेन द गेज डिस्टेंस इज टर्म्ड एज स्लीपर। ओके, ये काम करता है, सपोर्ट करता है हमारी रेल को, उसके साथ इसको फिक्स किया जाता है और गेज डिस्टेंस को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, द रेल्स आर फिक्स टू द स्लीपर बाय यूजिंग स्पाइक्स, स्पाइक्स के द्वारा इनको हम फिक्स करते हैं। स्लीपर्स आर मेड अप ऑफ वुड, ये लकड़ी के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के भी बने होते हैं। दे आल्सो ट्रांसमिट हैवी स्ट्रेसेस टू द ब्लास्ट प्रोवाइडेड बिलो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, जब ट्रेन मूव करती है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस रेल पे आता है, रेल उसको ट्रांसफ़र करता है अपने नीचे स्लीपर्स में और स्लीपर उनको ट्रांसफ़र करता है नीचे ये ब्लास्ट, जितने जो स्टोन्स हैं इनमें। ठीक है, फंक्शन, इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे टू सपोर्ट द रेल फर्मली एंड इवनली, रेल को ये अच्छे से सपोर्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है। टू होल्ड द रेल्स टू प्रॉपर गेज, प्रॉपर गेज को ये मेंटेन करके रखता है रेल की। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द रेल ओवर सफिशियंट लार्ज एरिया ऑफ द बैलास्ट। ठीक है, जो भी स्ट्रेस रेल पे आता है, रेल से ट्रांसफर होता है स्लीपर में और स्लीपर इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है बैलास्ट में। ठीक है, टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल एंड द बैलास्ट टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ द रेल। ओके, एक तरह से इलास्टिक मीडियम का भी रोल अदा करता है, जब शॉक इस पे आता है, रेल जब उस पे मूव करती है, सॉरी जो ट्रेन मूव करती है तो रेल पे जो शॉक आता है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर ईजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल फास्टनिंग्स विदाउट सीरियसली डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना किसी भी डिफेक्टिव पीस को हटाया जा सकता है और नए रेल के पीस को वहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे ऑन द होल। ठीक है, जो हमारा परमानेंट वे है उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है स्लीपर। टू होल्ड अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक के अलाइनमेंट को होल्ड करके रखता है, उसको प्रॉपर बनाए रखता है। टू होल्ड द रेल्स एट प्रॉपर लेवल, दोनों रेल्स को एक प्रॉपर लेवल में ये मेंटेन करके रखता है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ स्लीपर्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। फर्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स। लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स, ये आप देखिए इस फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे ट्रांसवर्स कोई भी सेक्शन नहीं है, ये बीच में है, ये बस कनेक्टर्स हैं। ठीक है, ये स्लीपर्स का रोल अदा नहीं कर रहे हैं, ये बस कनेक्टर्स हैं और ये जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेल के नीचे लगे हुए हैं, ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स। ठीक है, ये पहले यूज होते थे, आजकल ये यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स। ये बने होते थे स्लैब ऑफ स्टोन आरसीसी एंड पीस ऑफ वुड प्लेस्ड पैरेलल टू द रेल एज शोन इन फिगर। ठीक है, और वुड का भी हो सकते थे जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। टू मेंटेन द करेक्ट गेज ऑफ ट्रैक क्रॉस पीस आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो ये दो इसमें जो लकड़ी के पीस लगे हुए हैं इनको क्रॉस पीस बोला जाता था। ठीक है, ताकि इसकी जो गेज डिस्टेंस है इसको ये अच्छे से मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स। एट प्रेजेंट दीज ऑफ स्लीपर्स आर डिस्कार्डेड, इसको अब यूज नहीं किया जाता इनको अब। ठीक है, मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्यों इसको हम यूज़ नहीं करते, द रनिंग ऑफ ट्रेन इज नॉट स्मूथ। ठीक है, ट्रेन का जो रनिंग है उस पर मूव करती है वो स्मूथ नहीं थी व्हेन दिस टाइप ऑफ स्लीपर्स आर यूज्ड। द कॉस्ट ऑफ हाई, कॉस्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन की हाई।
द नॉइस क्रिएटेड बाई ट्रैक इज कंसिडरेबल, इसके द्वारा जब ट्रेन मूव करती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। तो ये थे इसके जो पॉइंट्स जिसके द्वारा हमने इसको आगे यूज नहीं किया है लॉन्गिट्यूडनल रेल्स को। अब देखते हैं ट्रांसवर्स स्लीपर्स। ये सभी ने देखा होगा जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगे होते हैं रेल के, वो होते हैं हमारे ट्रांसवर्स स्लीपर्स। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रिटेन में यूज किया गया था 1835 में। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सली इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, दे हैड बिकम वेरी पॉपुलर एंड दे रिमूव द ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स। जितने भी इसमें कमियां थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स में, उन सभी को इसने कवर कर लिया है ट्रांसवर्स स्लीपर्स ने। ओके, दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द रेल्स, रेल के राइट एंगल में इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब ये कुछ अलग अलग टाइप के जैसे वुडन और टिम्बर स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर और कॉन्क्रीट स्लीपर। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है उसी मटेरियल पे इसको हमने बनाया भी है। अब एक एक करके देखते हैं ये क्या 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 होते हैं। टिम्बर और वुडन स्लीपर, ये आप देख सकते हैं लकड़ी के स्लीपर्स, ये भी बने होते थे पहले, आजकल इसका भी यूज बहुत कम होता है। द स्लीपर्स मेड ऑफ टिम्बर आर नाउ नोन एज टिम्बर और वुडन स्लीपर। ठीक है, जो लकड़ी से बना होता है वो हमारा टिम्बर और वुडन स्लीपर होता है। ठीक है, द वुड यूज्ड ये बना होता है टीक, साल और कोनीफेरस लाइक पाइन्स। ठीक है, ये अलग अलग वुड के टाइप्स हैं, जैसे पाइन वुड, साल वुड और टीक वुड, इनका ये बना हुआ होता था। इन इंडिया टीक वुड इज बेस्ट मटीरियल। ठीक है, भारत में ये टीक वुड का ही बना होता है मोस्टली। ओके, अब कुछ इसके फीचर्स हैं वुडन स्लीपर्स के, जैसे दे आर वेरी मच यूजफुल फॉर हैवी लोड्स एंड हाई स्पीड्स। हाई स्पीड जब हो ट्रेन की और हैवी लोड्स हो तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होती हैं। दे हैव लॉन्ग लाइफ एज 10 to 12 ईयर्स, इसकी 10 से 12 साल की ईयर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशंस, रेल इंटेंसिटी, नेचर ऑफ ट्रैफिक, क्वालिटी ऑफ वुड एट्सेट्रा। ठीक है, इन पे डिपेंड करती है इसकी लाइफ। दे आर सब्जेक्टेड टू अटैक बाय इंसेक्ट्स, इसमें कुछ इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, जैसे इसमें डीमक वगैरह वाइट एंट होती है वो लग सकती है और उसको ख़राब कर सकती है। हैंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रजिस्टिंग पावर दे शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, द प्रिजर्वेटिव्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। ओके, तो जो डीमक इसमें ना लगे उसके लिए इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स का हम यूज़ करते थे और उससे इसकी लाइफ बढ़ जाती थी। ठीक है, दे आर नॉट कोरोडेड, इसमें कोई भी जंग नहीं लगता। दे आर गुड इंसुलेटर एंड हैंस गुड फॉर ट्रैक सर्किटेड रेलवे ट्रैक। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि लकड़ी हमारी होती है इंसुलेटर, उसमें से बिजली पास नहीं होती, तो जब भी हम ट्रेन को अर्थिंग देते हैं, उसको सर्किटिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है वुडन स्लीपर। द साइज ऑफ स्लीपर विल डिपेंड अपॉन द लोड कमिंग एंड द क्वालिटी ऑफ टिम्बर। ठीक है, इसका साइज डिपेंड करता है कितना लोड वहाँ पे आएगा ट्रेन का और क्वालिटी ऑफ टिम्बर में। ठीक है, द स्पाइक्स शुड बी ड्रिवन केयरफुली थ्रू द स्लीपर्स, जो स्पाइक्स उसमें लगाए जाते हैं वो बहुत ध्यान से लगाए जाते हैं, अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या होगा, द स्लीपर्स विल डैमेज एंड गेज ऑफ ट्रैक विल अफेक्ट, तो जो ट्रैक का गेज है वो अफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, अब वुडन स्लीपर के फायदे और नुकसान, एडवांटेजेस इसके क्या है। दे प्रूव टू बी ओवरऑल इकोनॉमिकल, ये खर्चा इसमें काफ़ी कम होता है। ठीक है, दे आर बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैक सर्किटिंग बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर, तो ट्रैक सर्किटिंग का मतलब होता है जब उसमें अर्थिंग की जाती है या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रिक का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे साबित होते हैं जब ये वुडन स्लीपर, जब ट्रैक का सर्किटिंग किया जाता है। द डैमेज ड्यूरिंग डीरेलमेंट इज लेस, डीरेलमेंट क्या होता है, जब रेल को स्लीपर से रिमूव किया जाता है, उससे हटाया जाता है, कोई डिफेक्ट अगर रेल में आ जाता है तो स्लीपर से उसको डिटैच करना पड़ता है, उसी को डिरेलमेंट कहा जाता है। द डैमेज ड्यूरिंग डिरेलमेंट इज लेस व्हेन दी स्लीपर्स आर यूज्ड,
ठीक है, उसके द्वारा जो डैमेज होता है वो काफ़ी कम होता है। दे फैसिलिटेट इजी रिन्यूअल ऑफ द ट्रैक, रिन्यू करना हो ट्रैक का तो इजीली हो सकता है जब वुडन स्लीपर का यूज किया गया हो। दे रिक्वायर फ्यू फिटिंग्स विच आर आल्सो सिंपल इन डिज़ाइन। ओके, जो इसमें फिटिंग्स होते हैं, फिक्सर्स होते हैं, वो काफ़ी सिंपल होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं। दे आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बलास्ट, जितने भी टाइप के ब्लास्ट हैं उन सभी में वुडन स्लीपर सूट कर सकता है। दे आर ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन गेज ऑफ ट्रैक विद टिम्बर स्लीपर। ठीक है, टिम्बर स्लीपर में गेज को मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। दे आर इजीली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम देयर पोजिशन। ओके, जो इसकी पोजिशन होती है वो उससे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड डीके, तो इसमें वियर और डीके, इसमें लकड़ी जो सड़ सकती है और उसमें टूट भी सकती है, काफ़ी सारे जो इसमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे वाइट एंट होते हैं, दीमक लग जाती है, वर्मिंस वर्मिंस होते हैं जो चोर वहाँ से लकड़ी को काट ले जाते हैं। ठीक है, लोहा अगर यूज़ किया जाता है तो उसको भी कई बार चोरी कर लिया जाता है, नट बोल्ट को चोरी कर लिया जाता है, तो वर्मिंस होते हैं, चोर लुटेरे जो उसको काट जाते हैं। ठीक है, रेल कटिंग, रेल कटिंग क्या होती है, रेल के द्वारा जब ट्रेन उस पर मूव करती है तो रेल उस पर बार बार इम्पैक्ट करते हैं स्लीपर पे और धीरे धीरे वो कटता है, तो उसको रेल कटिंग बोलते हैं। रैपिंग और क्रैकिंग, तो इनकी वजह से वो जल्दी डैमेज और डीके हो सकती है। दे आर लाइबल टू कैच फायर, लकड़ी है तो इसमें आग लग सकती है। दे प्रोसेस लेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब उसका काम पूरा हो जाए यानी कि स्लीपर की लाइफ कंप्लीट हो जाए, वो डैमेज हो जाए, अब उसको हम क्या करेंगे, स्क्रैप में बेच सकते हैं या नहीं, तो लकड़ी ख़राब होने पे कोई भी उसको नहीं लेता, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल जीरो रहती है। ठीक है, लाइफ इज़ शॉर्टर एज कम्पेयर टू अदर, तो इसकी वुडन की स्लीपर है उसकी लाइफ एज कम्पेयर टू अदर स्लीपर काफ़ी कम होती है। ओके, तो ये थे इसके कुछ फायदे और नुकसान। अब देखते हैं स्टील स्लीपर्स, ये देखिए, ये आपने कहीं भी देखे होंगे, तो स्टील स्लीपर्स ये बने हुए हैं, हमारे स्टील स्लीपर्स जिसमें स्टील का यूज़ होता है वो स्टील स्लीपर्स। ठीक है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। स्टील स्लीपर्स हैव ए यूज़फुल लाइफ ऑफ 30 to 40 ईयर्स। ठीक है, 30 से 40 साल इसकी लाइफ हो सकती है। तो ये देखिए, ये अरेंजमेंट कई बार आपने देखा होगा, इसमें आप इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट हुए देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं सर्किटिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि जब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की जाती है तो वुडन स्लीपर काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, अब देखते हैं, दे आर अटैक्ड बाय वर्मिंस, जो स्टील स्लीपर्स हैं इसमें वर्मिंस काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि कई बार चोर लुटेरे होते हैं वो इनको चुरा लेते हैं, काट ले जाते हैं। ठीक है, बट दे कैन बी इजीली कोरोडेड, इसमें इजीली जंग भी लग सकता है। दे कैन नॉट बी यूज्ड वेयर कोरोजन इज हैवी ड्यू टू मॉइस्चर। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती हो और मॉइस्चर ज़्यादा हो तो उस एरिया में हम इसको यूज़ नहीं करते, तो ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, दे आर गुड दे सॉरी दे आर नॉट गुड इंसुलेटर, ये क्योंकि लोहा है, पता है आपको, स्टील है, तो ये इलेक्ट्रिक को इजीली कंडक्ट कर सकता है, तो ये इंसुलेटर नहीं। एंड नॉट गुड फॉर ट्रैक सर्किटिंग रेलवे ट्रैक, तो ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किटिंग हो तो वहाँ पे इसका यूज़ अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक को इजीली कंडक्ट कर सकता है। द स्टील स्लीपर्स कंसिस्ट ऑफ ए 6 mm थिक प्लेट। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं स्टील स्लीपर्स, कितने सारे बल्क में रखे हुए हैं एक गोडाउन में। ये 6 mm मोटी एक स्टील की प्लेट के बने होते हैं, जिसमें ट्रफ यानी कि ये चैनल शेप के बने होते हैं, इस शेप के ये बने होते हैं। थोड़ा सा क्लियर करके और बताता हूँ आपको मैं, तो ये इस शेप के बने होते हैं। ठीक है, एक चैनल की शेप में ये बने होते हैं। इस स्टील प्लेट की मोटाई होती है हमारी 6 mm। ठीक है, और चैनल जैसा ये दिखाई देता है, इसके ऊपर ये नट बोल्ट ऐसे लगे होते हैं और इसके ऊपर रेल को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टील स्लीपर्स। अब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। दे आर
मैन्युफैक्चर्ड इन वन पीस, इसको एक पीस में बनाया जा सकता है। दे आर लाइट इन वेट एंड कैन देयरफॉर बी इजीली हैंडल, ठीक है, क्योंकि ये वेट में काफ़ी हल्के होते हैं तो इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। दे पोसेस ए गुड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, लोहा है तो बाद में इसको हम स्क्रैप में भी बेच सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी अच्छी होगी। दे हैव गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रीप, तो क्रीप जो इफेक्ट होता है उससे ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ओके, दे बिहेव इन ए बेटर वे ऑन यील्डिंग फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर। ओके, तो लकड़ी और जब स्टील की बात करें तो कौन सा सबसे पहले गिव अप करता है, तो वो होता है लकड़ी, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा साबित होता है हमारा स्टील स्लीपर। दे हैव अ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रिप, सॉरी ये दोबारा हो गया, दे आर रिक्वायर्ड फ्यू फास्टनिंग्स विच कैन बी ईजिली एंड क्विकली मैन्युफैक्चर। ओके, जो इसमें फास्टनिंग्स इसमें लगती हैं तो वो इसमें ईजीली अवेलेबल हो सकती है, ईजी उसका डिज़ाइन होता है, ठीक है। द मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ गेज आर ईजी, तो जो गेज का मेंटेनेंस है वो काफ़ी ईजी होता है स्टील स्लीपर्स में, ये इसमें बताया गया है। और ये जो गुड रेजिस्टेंस ये बताया गया फायर अगेंस्ट फायर का है, ठीक है, अगेंस्ट फायर क्रीप इसमें गलती से टाइप हो गया। अब इसके कुछ नुकसान देखते हैं। दे आर नॉट सूटेबल फॉर एवरी टाइप्स ऑफ बैलास्ट, हर टाइप के बैलास्ट के लिए स्टील स्लीपर्स अच्छे साबित नहीं होते, क्योंकि कुछ हमारे होते हैं केमिकल से, केमिकल कंपाउंड जैसे कैलकेरियस हमारे स्टोन होते हैं तो उससे ये रिएक्ट करके जल्दी उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये अच्छे साबित नहीं होते। दे आर नॉट सूटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग, तो जब जहाँ पे ट्रैक का सर्किटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किटिंग किया जाता है, वहाँ पे अच्छे साबित नहीं होते। द कॉस्ट ऑफ स्टील स्लीपर इज वेरी हाई, इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर लाइबल टू कोरोजन, इसमें जंग लग सकता है। द क्रैक्स आर लाइबल टू डेवलप यूजली एट रेल सीट्स, ठीक है, रेल सीट्स होती हैं तो उसमें जनरली क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये इसके नुकसान थे रेलवे स्लीपर्स के। अब देखते हैं कास्ट आयरन स्लीपर्स, ये सिमिलर हैं स्टील स्लीपर के, बट इसमें थोड़ा मटेरियल की जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर में, कास्ट आयरन स्लीपर, कास्ट आयरन के बने हुए थे तो इसलिए कास्ट आयरन स्लीपर इनको बोला जाता है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में काफ़ी ज़्यादा यूज होते थे सिंस 1870 देन एनी अदर कंट्री, 1870 से पहले ये बहुत ज़्यादा यूज होते थे इंडिया में, जिसका पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा यूज होता था यहाँ पे। बट नाउ ए डे नियरली 60% ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इज लेड विद कास्ट आयरन स्लीपर, ठीक है, 60% से ज़्यादा ब्रॉड गेज जो ट्रैक है वो हमारा कास्ट आयरन स्लीपर्स पे ही लगा हुआ है। ओके, अब देखते हैं कुछ फीचर्स कास्ट आयरन के। दे पोसेस हाई स्क्रैप वैल्यू, इसकी स्क्रैप वैल्यू हाई है क्योंकि आपको पता ही है डैमेज होने के बाद इसको हम स्क्रैप में बेच सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग और कास्टिंग न्यू पोर्ट्स, ठीक है, नए जो स्लीपर्स हैं उनको बना लिया जाता है, उनको पिघला के दोबारा से रीयूज करके जो पुराने हमारे स्लीपर्स होते हैं। नो रिजिड कनेक्शंस बिटवीन टू सेपरेट स्पोर्ट्स एंड हेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन द करेक्ट गेज ऑफ ट्रैक विद कास्ट आयरन स्लीपर्स। ओके, जो इसमें जो फास्टनिंग्स होती है, नट बोल्ट होते हैं, तो धीरे धीरे ये थोड़े से लूज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो गेज डिस्टेंस होती है ट्रैक के बीच में डिस्टेंस, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। दे रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स देन एनी अदर टाइप्स ऑफ स्लीपर, तो इसमें जो फिटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ताकि वो टाइट रहे और उसकी गेज डिस्टेंस मेंटेन रहे, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू ब्रेक एंड डैमेज, ये जल्दी टूट सकते हैं, ठीक है, इफ़ हैंडल रफली, अगर इसको रफली हैंडल किया गया। द कास्ट आयरन स्लीपर इज लाइफ है 35 से 50 साल, ठीक है, 35 से 50 साल काफ़ी अच्छी लाइफ है। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। दे कैन बी ईजिली डिसमेंटल एंड असेंबल, इसको जल्दी से कहीं पे असेंबल किया जा सकता है और डिसमेंटल भी किया जा सकता है। हैंस देयर ट्रांसपोर्ट प्रूव्स टू बी ईजी
इवन दो दे आर हैवी इन वेट एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर. तो वुडन स्लीपर के कंपेरिजन में थोड़े से ये हैवी होते हैं, ठीक है. बट इसको ट्रांसपोर्ट करना और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाके असेंबल कर देना, पार्ट्स में इसको बनाते हैं और दूसरी जगह पे जाकर उसको असेंबल कर देते हैं, तो वो ईजी होता है. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर इज हाइएस्ट. सबसे ज़्यादा इसी की वैल्यू होती है हमारी स्क्रैप की. दे प्रोवाइड गुड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल रेजिस्टेंस, ठीक है. जो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अच्छा ये प्रदान करते हैं. दे आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लास्ट. सभी टाइप के ब्लास्ट में ये यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता. ओके, कास्ट आयरन है तो एज कम्पेयर टू स्टील कास्ट आयरन में जंग बहुत कम लगता है. द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन इज लो, ठीक है. मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है. अब इसके कुछ नुकसान देखते हैं. ड्यूरिंग डीरेलमेंट दे कोज हाई परसेंटेज ऑफ डैमेज. ओके, जब किसी भी डिफेक्टिव पीस ऑफ रेल को रिमूव किया जाता है तो उसकी फास्टनिंग्स को हम जब खोलते हैं तो वो डैमेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है. दे आर नॉट सूटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग. ट्रैक सर्किटिंग है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है, उसके लिए सूटेबल नहीं होता है. दे आर लाइबल टू ब्रेक, जल्दी ये टूट भी सकते हैं अगर इसको रफली हैंडल किया जाता है. ओके, दे आर नॉट सूटेबल फॉर मॉडर्न मैथड ऑफ मेंटेनेंस. ओके, जो आजकल तरीके हैं मेंटेनेंस के तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होते. दे रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स. इसमें फिटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, अलग अलग टाइप के इसमें फिटिंग्स का यूज़ किया जाता है. अब लास्ट और सबसे मॉडर्न जो हमारे स्लीपर्स आपने आजकल देखने को मिलेंगे वो होते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स. ओके, ये आप देख सकते हैं अलग अलग उसके ये बने होते हैं. आरसीसी के भी बने होते हैं, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के भी ये बने होते हैं, ठीक है. और ये हम यूज़ बस एक ही जगह पर नहीं करते, जब कहीं टर्निंग पॉइंट हो. ओके, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज जैसे क्रॉसिंग ब्रिज, जब ब्रिज कोई क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे हम मोस्टली टिम्बर के स्लीपर का यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम ना तो कंक्रीट का ना सीआई या फिर स्टील का स्लीपर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम मोस्टली वुडन और टिम्बर स्लीपर यूज़ करते हैं क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज पे. ओके, अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं. दे मे बी आरसीसी और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट. आरसीसी का या प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का ये बना होता है. द लेटर बींग वेरी कॉमन, ठीक है. जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का है वो आजकल बहुत ही कॉमन यूज होता है. इसका वेट होता है 150 टू 300 केजी, विच इज़ मोर देन टिम्बर एंड स्टील स्लीपर. तो लकड़ी और स्टील के जो स्लीपर हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ये होता है भारी. दे गिव ग्रेटर एबिलिटी टू रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है. दे आर ड्यूरेबल विद ए लाइफ रेंज ऑफ 30 to 40 है. 30 से 40 साल इसकी लाइफ होती है. दे आर फाउंड मोस्ट सूटेबल फॉर वेल्डेड रेल ट्रैक, ठीक है. जब वेल्डिंग करते हैं रेल की एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से वेल्ड कर दें तो उस टाइप की वेल्डिंग ट्रैक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल साबित होते हैं. इसके कुछ फ़ायदे देखते हैं. दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज क्वान्टिटी लोकली बाई इंस्टॉलिंग प्लांट. तो एक प्लांट लगा के हम एक ही जगह पे बहुत ही क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है. दे आर नॉट अटैक बाय कोरोजन, इसमें जंग नहीं लगता. दे इफेक्टिवली एंड स्ट्रोंगली होल्ड द ट्रैक टू द गेज, ठीक है. ट्रैक को ये जो रेल होती है उसको बहुत स्ट्रोंगली ये होल्ड करके रखता है और गेज को मेंटेन करके रखता है. दे आर एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग क्रीप. क्रीप जो होता है उसको ये एफिशिएंटली सहन कर सकता है, ठीक है. क्रीप क्या होता है, ये टाइम डिपेंडेंट, ये देखिए एक आपका अगर आरसीसी का सेक्शन है या कोई भी सेक्शन है तो जब उस पर लोड लगता है तो धीरे धीरे ये बैंड हो जाता है, ठीक है. धीरे धीरे बैंड हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है और दोबारा अपनी शेप गेन नहीं करता अगर हम लोड को हटा भी दें, ठीक है. तो इस डिफॉर्म शेप को बोलते हैं क्रीप. ओके, अब देखते हैं. दे हैव गोट लॉन्ग लाइफ, 30 से 40 साल इसकी लाइफ है. द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कंक्रीट स्लीपर इज़ वेरी लो. मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है क्योंकि कोई भी डिफेक्ट हो तो उसको हम सीमेंट के मोर्टार से दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, क्रैक हो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं. दे आर गुड इंसुलेटर एंड दस सूटेबल फॉर यूज ट्रैक सर्किटिंग, ठीक है. क्योंकि कंक्रीट है इसमें भी बिजली पार नहीं करती, इसका कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होता, तो ये भी ट्रैक सर्किटिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है.
इनफ्लेमेबल होती है और फायर रेजिस्टेंट भी होती है, इसमें आग नहीं लगती। अब इसके नुकसान, द डैमेज ड्यूरिंग डीरेलमेंट इज एक्सेसिव। जब डीरेलमेंट का काम होता है तो उसमें इसका डैमेज जल्दी और ज़्यादा हो सकता है। दे पोसेस नो स्क्रैप वैल्यू, ओके, इसका भी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। आप कहेंगे कि इसके अंदर आयरन बार्स होते हैं, स्टील बार्स होते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो स्क्रैप में वैल्यू होगा, बट इनको पहले तोड़ना पड़ता है, फिर उन बार्स को निकालना पड़ता है, तो उनको तोड़ने में भी ऐसा ही पैसा लगता है और बात बराबर सी होती है, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। स्क्रैप वैल्यू उसकी भी जीरो ही रहती है, तोड़ने में भी पैसा लगेगा, फिर उसमें से जो मटेरियल निकलता है उसकी जो वैल्यू है वो उससे भी कम हो जाती है। ओके, दे आर डिफ़िकल्ट टू बी हैंडल, इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये भारी होता है, ठीक है। दे आर डिफ़िकल्ट टू बी मैन्युफैक्चर इन डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में इसको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ओके, जब ब्रिज और क्रॉसिंग की बात होती है, द रिन्यूअल ऑफ ट्रैक लेड विद दीज स्लीपर्स इज डिफ़िकल्ट। ओके, ट्रैक का रिन्यूअल करना हो और इनको लगाना हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये साबित होता है। ओके, तो ये थे फ़ायदे और नुकसान ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड स्लीपर, प्रीस्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल मटीरियल फॉर स्लीपर, स्लीपर के लिए किस टाइप का होना चाहिए हमारा स्लीपर, उसमें आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है। द इनिशियल कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। तो शुरुआती कॉस्ट उस पर पैसा लग रहा है और उसको मेंटेन करने का जो पैसा है वो कम होना चाहिए, ठीक है। द फास्टनिंग्स ऑफ स्लीपर्स विद द रेल शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन जो है हमारा फास्टनिंग्स का वो ज़्यादा हैवी ना हो, ईजी हो। दे शुड नॉट मॉडरेट वेट, मॉडरेट वेट का ये नहीं होना, मॉडरेट वेट का ये होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा भारी भी ना हो और ज़्यादा हल्का भी ना हो। दे शुड बी सूटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग, ट्रैक सर्किटिंग जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट हो तो वहाँ पे सूटेबल हो। दे शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग शॉक्स, ये शॉक है जो झटके हैं उनको रजिस्ट करने की पावर इसके अंदर हो, जो वाइब्रेशन है उसको ये सहन कर सके, ठीक है। दे शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट की पैकिंग की जाती है तो उसके दौरान ये डैमेज ना हो। ओके, दे शुड प्रोवाइड सफिशियंट बियरिंग एरिया बिलो द रेल सीट एंड ओवर द ब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट के ऊपर ये अच्छे से एक एरिया बनाए और जो रेल के नीचे जो सीट है उस पर भी अच्छा एरिया बनाए। एरिया बनाने का मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा होता तो स्ट्रेस उस पर कम होता है, एरिया को लार्ज में फैलाना होता है, स्ट्रेस को लार्ज एरिया में फैलाना होता है, तो इसलिए उसका एरिया अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी ईजिली टू मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट एंड ले द स्लीपर, ठीक है। इसको बनाने में ईजी होना चाहिए, इसको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होना चाहिए और उसको जब हम लगाएंगे रेल के नीचे तो वो भी ईजी होना चाहिए, ठीक है। दे शुड हैव हाई स्क्रैप वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। दे शुड बी सच ए डिज़ाइन दैट दे कैन नॉट बी पुश्ड आउट ईजीली आउट ऑफ देयर पोजिशन इन एनी डायरेक्शन इवन अंडर मैक्सिमम फोर्स ऑफ मूविंग ट्रेन्स, ओके। जब मैक्सिमम फोर्स लगे उस पर ट्रेन का मूव करते वक्त तब वो अपने पोजिशन से हटे ना, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे स्लीपर्स में ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे स्लीपर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।